जो मुंह है ना इसमें हमेशा लार बनती है, मालूम है? फूक लार। एमबीबीएस वाले इसको स्लाइवा कहते हैं, सेलिवा स्लाइवा, हम लोग हिंदी वाले लार कहते हैं। ये जो लार है ना ये सबसे ज्यादा कीमती चीज है। आपको मालूम है इसकी कीमत कितनी है जो आप पॉकेट में थूकते रहते हो? हाँ, मैं इसकी कीमत बताना चाहता हूँ। पहली बार जब मैं अमेरिका गया तब मुझे इसकी कीमत पता चली। अमेरिका में एक बहुत बड़ा संस्थान है, तो पता है क्या करता है, लोगों को अपने आप बुलाता है और एक बड़ा सा पात्र रखे कहता है थूक दो, वहां लोग थूकने को जाते हैं। मुझे पता चल गया, मैं भी गया, और 5 मिलीमीटर थूको तो 10,000 रुपए के 5 मिलीमीटर जो थूक होता है ना ये 10,000 रुपए का। उसको फिर वो छोटे छोटे पैकेट में बंद करते और फिर बेचते और वो खूब बिकता, खूब बिकता, लार बिकती। मैं पूछा उन लोगों से कौन खरीदता है इसको, तब उन्होंने कहा कि दुनिया में जिन लोगों को कैंसर हो जाता है उनको कैंसर होने में लार बनना बंद। आपने सुना है कैंसर के मरीज को कुछ भी खिलाओ तो सब कुछ उलट देता। जब कैंसर चौथी अवस्था में पहुंचता है ना तो वो आदमी पानी भी नहीं पी पाता, दूध भी नहीं पी पाता, कुछ भी पिलाओ तो उलट देता, क्योंकि मुंह में लार बनना बंद। लार नहीं है ना तो कोई चीज अंदर नहीं जाती, सब बाहर निकल जाती। तो जिनके मुंह में लार बनना बंद हो जाती है उनके मुंह में ये नकली लार डाली जाती है और ये 10,000 रुपए की 5 मिलीग्राम आती है। इसको आप फोकट में थूकते हैं तो आज से थूकना। मैं माताओं बहनों भाइयों को सबको ये कहना चाहता हूँ, आदमी को छोड़कर कोई जानवर नहीं थूकता, आदमी को छोड़कर कोई पक्षी नहीं थूकता कभी। ये आदमी है तो थू थू मचा देता है, कितना नुकसान कर रहा है अपना, सोचो। 5 मिलीग्राम थूक 10,000 का, 10 मिलीग्राम 20,000 का, सोचो एक दिन में आधा किलो थूक दिया, लाखों रुपए का फालतू में फोकट में नुकसान कर रहा है। इसको थूकना नहीं, फिर क्या करना? भगवान ने ये जो थूक बनाया ना लार, ये पेट में अंदर ले जाने के लिए बनाया। पानी को घुट घुट जब पियो तो ये बार बार लार पेट में जाती है। ये जो लार होती है इसको रसायन शास्त्र की भाषा में कहते हैं कि ये क्षारीय होती है। अंग्रेज लोग इसको एल्केलाइन कहते हैं, एमबीबीएस वाले, ये क्षारीय है माने एल्केलाइन है। और आपने सुना पेट में हमेशा अम्ल बनता रहता है, कहते ना तेजाब बन रही है, तेजाब बन रही है, तो अम्ल में ये क्षार मिले तो अम्ल को निष्प्रभावी कर देता है। विज्ञान का एक सिद्धांत है, एसिड और एल्केलाइन दोनों मिले तो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। तो मुंह की क्षार माने लार बार बार पेट में जाकर अम्ल में मिले तो पेट का अम्ल शांत रहता है। जिनके पेट का अम्ल शांत रहता है उनका जीवन भर बात संतुलित रहता है, कफ संतुलित रहता है, और बात और कफ संतुलित रहे तो 108 बीमारियां कभी नहीं आती। इसलिए नियम बनाया गया पानी को घूट घूट पियो ताकि बार बार लार पानी में मिलके पेट के अंदर जाए और आपके अम्ल को शांत करे और आप जीवन भर निरोगी रहे। तो पानी घूट घूट पीना शुरू करें।